सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर CBSE को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो इसमें हमें दे दिया है कि हमारा एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और CM हम देख किस पर है, हाँ इस एंगल पर 90 है। उसी प्रकार ये भी हमारा एक क्या है, ये भी हमारा 90 ही होगा, उसको हमें तो प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हमें देखिए इस वाले DMB यानी मतलब इस वाले फिगर को और इस वाले फिगर को क्या दिखाना है, कांग्रुएंट दिखाना। कैसे दिखाएंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए हम करते क्या है, पहले फिगर ड्रा कर लीजिए। कुछ इस तरीके का फिगर है और इसी का नाम भी दे दिया है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर डैमेज हो गया। DB और क्या है, C है और हमारा बीच में M है और यहाँ पर हमारा क्या है, A है। तो भैया इस फिगर को दिखाना कांग्रुएंट। तो सबसे पहले आप लोग इस फिगर में आइए, हमें दिया भैया ए वाली लाइन इक्वल है, उसी प्रकार हमारा ए वाला लाइन इक्वल है। कुल मिला जुला कर एक तरह से मिड पॉइंट मान सकते हैं ये हमको, ठीक है, वैसे गिवन ही था, ठीक है, बस बहुत आसान। तो हम चलते हैं इन ट्रेंगल DBDM एंड किस में बताइए, MAC में, ठीक है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे देखिए, पहला तो हमारा हो गया DM इक्वल टू MC, उसी प्रकार हमारा क्या होगा बताइए, BM इक्वल टू AM हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। उसी प्रकार कैसे बताइए आप लोग, मिड पॉइंट भैया गिवेन है, ठीक है, उसी प्रकार ए वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि हमारा ए वाला वर्टिकली अपोजिट है। तो नहीं लिख सकते एंगल एम, या तो आप लोग मान लीजिए एंगल 1 = एंगल 2, ये भी तो इक्वल होगा, इस तरह भी लिख लीजिए, या तो आप नाम लिख लीजिए BMD = एंगल BMD = बताइए आप लोग CMA, ठीक है। तो बस ये तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया बस। तो कौन सी कंग्रुएंसी लगे, बाई AS कंग्रुएंसी से हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं बताइए आप लोग, हाँ कंग्रुएंसी से प्रूफ हो गया। लेकिन अभी हमें और चीज़ें पूछिए कि ये जो हमारा 90 डिग्री होगा तो इसको कैसे दिखाएंगे, बस बहुत आसान है। इस वाले फिगर में हम लोग चलेंगे, इसमें किस ट्रेंगल में बताइए आप लोग, BDC एंड ट्रेंगल लिख लेते हैं, ठीक है, और ट्रेंगल BAC, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे देखिए, पहला तो आपका एक चीज़ हो जाएगा कि बस उसी तरीके इस वाले में चल रहे हैं, तो ए वाला जो लाइन है DC किसका बताइए आप लोग, DC = AB होगा ही होगा, तो लिख देते हैं DC = AB लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, हमारा BC आपका कामन हो गया, BC = BC common बताइए, हाँ ना बोलिए, हाँ BC = BC common हो गया। उसी प्रकार अच्छा एक चीज़ हमने देखिए, इसको हम CP CT से एक चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं बताइए आप लोग, CP CT से लिख देते हैं कि एंगल D = एंगल A बताइए, हाँ ना बोलिए, बिल्कुल होगा। तो बस एंगल D = एंगल A हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, कैसे हमने प्रूफ किया है कि नहीं इसको बताइए, हाँ ना बोलिए, पहले भैया प्रूफ किया था, बस काम हमारा हो गया। तो इसको भी कह देंगे क्या है, तो ये भी हम किससे कांग्रुएंसी, बाई AS कांग्रुएंसी से भैया हमारा प्रूफ हो गया, हाँ ना बोलिए, हाँ बिल्कुल हो गया। तो बस जब हमारा एंगल C = एंगल B होगा कि नहीं, हाँ ना बोलिए, हाँ बिल्कुल होगा। तो हम नहीं कह सकते जब एंगल B = 90 है तो हमारा C भी तो भैया 90 होगा, तभी ना इक्वल होगा, हाँ ना बोलिए, ठीक है। बस उसी प्रकार हमारा थर्ड वाला भैया बेसिकली इसी को प्रूफ करना था कि हमारा ये क्या है, कांग्रुएंट है, तो हमने वो भी प्रूफ कर लिया। और अच्छा एक चीज़ लास्ट बचा, CM = ½ AB, इसको आप लोग प्रूफ करिएगा, बस वही देखिए कि बेसिकली करना क्या, मैं बस दे देता हूँ। एक दिया हमारा AM = BM, तो अरे भैया ये बताइए जब AB = क्या होगा बताइए, AB = 2 times नहीं लिख सकते CM, बोलिए आप लोग, हाँ बस इसी तरीके से लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे अच्छा बताइए। एक लाइन आप लोग खींच रहे हैं तो इसको 4 टुकड़े में बराबर में काट दीजिए। तो अब कोई पूछेगा भैया AB मान लीजिए लाइन है, तो अब पूछेगा CM क्या है, मान लीजिए यहाँ पर AC है और AM है, तो नहीं हम कहेंगे CM हमारा 1/4 है कि नहीं बताइए। उसी प्रकार हमारा BM = CM है, ठीक है, उसी प्रकार हमारा DM यहाँ पर रहेगा, ठीक है, सॉरी गलती हुई,
डीएम इक्वल टू एमसी, बस इसी तरीके से हम कर देंगे। भैया चार पार्ट में डिवाइड है तो पूछ रहा आधा कितना होगा, तो आधा कर देंगे, ए बी का आधा होगा ना। वैसे भी मिड मतलब मिड पॉइंट मतलब क्या होता है बताइए आप लोग, मिड पॉइंट मतलब हाफ होता है, बस काम हमारा हो गया। ठीक है, अगर समझ में आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।